कार्रवाई का आगाज करें। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने पिछली हायरिंग पर रिपोर्ट पेश करने का कहा था। इनकी खामोशी से लग रहा है कि ये सबूत पेश नहीं कर सके। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन को इस बात की आगाही होनी चाहिए कि हाई प्रोफाइल केसेस में अननोन नंबर से कितनी कॉल्स आती हैं। अभी हमारा सिस्टम इतना जनरेट नहीं हो सका कि इन सारी कॉल्स को ट्रेस किया जा सके, लेकिन फिर भी अपने वादे के मुताबिक जो कॉल्स मैंने फोरेंसिक में भेजी थी उसकी रिपोर्ट आपके सामने वाज़े है, और मिस ईशा के भी कॉल रिकॉर्ड्स आपके सामने मौजूद है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि मलिक के जलाल ने इनको कितनी बार फोन कर करके हैरास किया। माय लॉर्ड, टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट से बात वाज़े होती है कि इसमें जो ऑडियो है वो मिस्टर इजलाल की ही है। सबूत के तौर पे मेरे पास ये ऑडियो मौजूद है जज साहब, जिसको मैं अभी प्ले कर रहा हूं। तुम्हारी माँ है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो दुनिया में अकेली रह जाएगी, सो पीछे हट जाओ। आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी माय लॉर्ड, मैं दरख्वास्त करूंगा अदालत से कि मेरे काबिल दोस्त का फोन अपनी तहवील में लेकर फॉरेंसिक कराई जाए। मुझे यकीन है कि इन्होंने अपने मतलब की रिपोर्ट अदालत में पेश की है। यस माय लॉर्ड, मैं अदालत की अटेंशन एक बार फिर चलान की तरफ ले जाना चाहूंगा। कोर्ट के बार बार नोटिस के बावजूद केस की मरकजी मुलजमा मिस मिनाल मलिक अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज उनको कोर्ट में आने का पाबंद किया जाए, ताकि ये केस तेजी से आगे बढ़ सके। लॉर्ड, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मेरे क्लाइंट मलिक अजलाल की बहन मिनाल मलिक का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी वो इन दिनों हनीमून के सिलसिले में शहर से बाहर है। अगर ऐसी बात है जज साहब कि मिनाल मलिक कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदालत से कि उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन बात करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये सारा का सारा खेल उन्हीं पर डिपेंडेंट है। माय लॉर्ड, परमिशन ग्रांटेड। मिनाल मलिक को ऑनलाइन आकर क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरने की पाबंद किया जाता है। थैंक यू। माय लॉर्ड, डिफेंस अगली पेशी पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अगली पेशी पर भी जा सकेंगे। डिफेंस एक काबिल वकील हैं, इनके केस जीतने की एक तवील फहरिस्त है। डिफेंस इस केस को जीतने के लिए इस हद तक चले गए कि इन्होंने मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इनके घर पर फायरिंग कराई, इनकी जान लेने की कोशिश की, इन्हें फोन करके डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं डरे। मेरे फाजिल दोस्त अदालत को ये बताना चाहेंगे कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद इस केस से पीछे क्यों नहीं हटे। इस केस में आखिर ऐसा क्या है जो इस केस से अभी तक जुड़े हुए? माय लॉर्ड, मैं अदालत की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि इस केस को तूल देने के लिए मेरी पर्सनल जिंदगी में इंटरेस्ट ना लें तो बेहतर होगा। और रहा सवाल इनका कि मैं इस केस से पीछे क्यों नहीं हटा, तो मैं अपने फाजिल दोस्त को यह वाजे करना चाहता हूं कि अगर हक और सच की आवाज बनने में डर लगता तो मैं कभी भी वकील बनना पसंद नहीं करता। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। क्या आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आप इस केस से इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप ईशा को पसंद नहीं करते? क्या इनसे मोहब्बत नहीं करते? क्या इनसे शादी करना नहीं चाहते? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं अपने फादर दोस्त से यह कहना चाहूंगा कि इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया जाए। मैं इस बात को सबूत के साथ पेश करूंगा अदालत में। माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवरऑल। डिफेंस को अपनी सफाई में कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। मैं अपने फाजिल दोस्त पर इल्जाम नहीं लगा रहा, इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास गवाह मौजूद है, और मैं उस गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो रक्षिंदा बेगम के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। गवाह को पेश किया जाए। बिल्किस बेगम, विटनेस बॉक्स में तशरीफ लाइए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, चलान में इस किस्म के किसी विटनेस का नाम मौजूद नहीं है। गवाह बहुत सहमी हुई थी, ये अदालत आना नहीं चाहती थी, इन्हें स्पेशल नोटिस देकर बुलाया गया है, और इनकी गवाही इस केस का रुख बदल देगी।